नशीले पदार्थों के दुरुपयोग, उसके दुष्परिणाम और अवैध तस्करी के खिलाफ 20 जून से चलाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के समापन के मौके पर जीआरपी ने रेल रक्षा समिति के सदस्यों को जागरूक किया। जीआरपी के अधिकारियों ने लोगों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी और उन्हें नशे से दूर रहने की समझाइश दी गई। नशे के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के लिए मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति सप्ताह के समापन के मौके पर जबलपुर परिसर में जीआरपी के अधिकारियों ने रेल रक्षा समिति के सदस्यों की बैठक ली। इस बैठक में आमजनों के साथ ही स्टेशन पर काम करने वाले कुली, वेंडर, स्टेशन के आसपास ऑटो चलाने वाले ऑटो चालक शामिल हुए। इन सभी लोगों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई, साथ ही इनसे नशे से दूर रहने की अपील भी की गई। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति जो कार्यक्रम चल रहा था उसका समापन था। लगभग 50 से 60 लोग जो थे उपस्थित थे, जिनको जन जागरूकता अभियान चलाकर उनको बताया गया कि स्टेशन पे बढ़ रहे अपराध और उनकी रोकथाम के लिए किस तरीके से नशा मुक्ति और होने वाले जो दुष्परिणाम हैं उनसे कैसे उस पर अंकुश लगाया जाए। रेलवे सुरक्षा समिति सदस्यों को नशे के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी और समझाइश दी गई कि किस तरीके से इस पर रोकथाम की जाए। बैठक में थाना प्रभारी बलराम यादव के साथ ही रेल थाने का स्टाफ भी मौजूद था।